बचती है जो जिसको लगता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये सवाल हैं जो आ जाएं तो बेहतर हो, और मैं चाहूँगा कि वो सवाल आएं और पूछे जाएं, और जो भी जुड़े हुए सवाल हैं आप ज़रूर पूछिए। और बाकी जो हमारे मेहमान हैं जिनका मैंने तारुफ आपसे परिचय कराया था, डॉक्टर सरला साहू बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांग्रेस के, और शशिकांत शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जी भैया क्या नाम है? मेरा ब्रजेश नवेरिया, मैं बरेला से हूँ। पहले तो मैं तीनों पार्टी वालों को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दें कि ये तीनों पार्टी वाले कभी तो किसानों के लिए सोचें। हमारा अरे इतना तो सब दिए जा रहे हैं, MSP ये ले लो, MSP वो MSP, और फिर भी पेट नहीं भर रहा। ये तीनों नेता जबलपुर से हैं और हमारा जबलपुर आपने संस्कार धानी के लिए तो जाना जाता है। किसानों की मटर की एक खेती है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जबलपुर। हम किसान जब मटर लेके जबलपुर आते हैं हमें ट्रैफिक का कितना मतलब इतना दर्द होता है सर कि हमारा माल टाइम पे मंडी नहीं पहुंच पाता और हमारे मिट्टी के दाम पे हमें बेच के आना पड़ता है। अंदर आओ। बिल्कुल स्वाभाविक और एकदम ईमानदारी भरा हुआ सवाल है ये, बिल्कुल ईमानदारी से पूछा गया सवाल है। क्या नाम बताया आपने? मेरा ब्रजेश नवेरिया। मैं बताऊं कि यहाँ की जो मटर है पूरी देश दुनिया में मशहूर है, किसान नेता भी मौजूद हैं, हर जगह किस मटर की चर्चा होती है जबलपुर की। और आप ट्रैफिक अगर फंस गया कहीं ट्राली तो फंस गया सर, पर हम लोगों को जो दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पाते। हम लोगों को मन मार के हम अपने परिवार के लिए बहुत सारी उम्मीद लेके आते हैं कि आज माल बेच के जाएंगे, हम अपने घर वालों के लिए ये करेंगे, लेकिन हाथ खाली लेके जाना पड़ता है। ये प्रशासन है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के समय में भी हमारी वही परेशानी थी, भाजपा के समय में भी वही परेशानी, इसलिए मैंने पहले बोला मैं दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे कि अपने शहर के लिए तो सोचें। अपने शहर के लिए तो सोचें, सद्बुद्धि देना। जी बाबूजी क्या नाम है? राघवेंद्र पटेल। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान पुत्र हूँ। आज मेरे भाई ने जो बात रखी है वो यथार्थ सत्य है। इसके साथ ही मैं इसकी आगे बात कहना चाहता हूँ, जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी पार्टी हो, कोई कहता है मैं कर्ज माफी करूंगा, कोई कहता है मैं धान का 3100 रुपये दूंगा, दूसरे दिन कांग्रेस बोलती है कि मैं 3200 रुपये दूंगी, लेकिन किसान को क्या मिलता है? मैं बताऊं क्या चलता है, बोले मैं 31 दूंगा, मैं 31 दूंगा, दूसरा कहता मैं 32 दूंगा। बोले मेरी चाल 31 की, आप समझ में आएगा जबलपुर, बोले तुम्हारी चाल 32 की ये है, और इसी में फंस जाता है। पटेल जी बैठे ना, बिल्कुल। और इसके साथ मैं इन नीति निर्धारकों तक आपके माध्यम से एक बात भी पहुंचाना चाहता हूं, किसान को ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ अपने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहता है, वो उसको दे दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपके देश की अर्थव्यवस्था भी उठ जाएगी। बिल्कुल। और मटर को लेकर इनकी जो बात थी पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा में आता हूँ आपके पास, मैं पूछूंगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम उर्वीश पांडे। उर्वीश पांडे जी क्या काम करते हैं? मैं पुणे में कार्यरत हूँ, एक MNC में HR मैनेजर हूँ। और इस समय आए हुए हैं जबलपुर? वोट डालने के लिए आया हुआ हूँ। क्या बात है, पहले तो इनके लिए क्लैप करिए बहुत जोर से। अंदर आइए। एक बात और मैं कहना चाह रहा था जबलपुर से, और मुझे वो पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मुझसे कही, वो कहा कि उसको कह दीजिएगा हेलमेट को लेकर यहाँ की मुहिम है और वो हेलमेट की मुहिम में आप शरीक हों, मुझे अच्छा लगेगा कि कोई अच्छी सी मुहिम है जिसमें आप शरीक होने लाए हो। हेलमेट तो पहन लो अभी। हाँ जी गाड़ी चलाते हो, मैं पहनते। अच्छा, हमें नहीं मालूम था, बहुत अच्छी बात। जी जनाब, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप वोट डालने के लिए पुणे से आए हैं, IT में वर्क करते हैं डिपार्टमेंट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, जबलपुर से या मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है दिल्ली पुणे नौकरी की तलाश में, और मैं खुद 15 साल से आज पुणे में कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जबलपुर आऊँ और यहाँ पर नौकरी करूँ। और इसी चक्कर में मैं ये पूछना चाहता हूँ, और मैं एक नागरिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे वोट मूल्य रखते हैं कुछ, और इसलिए मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ वोट डालने आया हूँ कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन हो, जी चयन हो, जो कि
स्टेट के बारे में सोचें, क्योंकि भोपाल में, इंदौर में काफी सारी कंपनीज आना शुरू हो गई हैं, और मैं थैंक्स करता हूं मोदी जी को इस चीज के लिए। आए, आए। और मैं ये मानता हूं कि बहुत ही जल्दी अब ये कंपनी जबलपुर में भी आना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है, काम करते हैं बाहर पुणे में त्यौहार के समय में, और वो कौन सा त्यौहार, जनतंत्र का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जिसमें ये आए हैं वोट डालने के लिए। मैं बहुत शुभकामनाएं दे, मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जरूर आओ। इधर का कोई सवाल था किसी का? कहाँ से हो? आजमगढ़ से हैं सर। कहाँ से? आजमगढ़। कहाँ से? आजमगढ़ से। जोर से बोलो, आजमगढ़। सुन तो मैं पहले ही बार में लेता हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि कितनी तेज बोलता है ये। जी बोलो, नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक दुबे है। जी बोलिए। मैं मैडम के लिए लखनऊ गया, लखनऊ से यहाँ आया। मैडम के लिए? कौन मैडम? जी बीजेपी कार्यकर्ता है। तो ये इन्हीं के पीछे पीछे जाते हो? नहीं नहीं, छोटी सी मेरी बात है। पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। तुमने क्यों कहा फिर? या तो तुम्हें मुद्दा नहीं मालूम था, तो इनके पीछे पीछे क्यों जाते हो? और मैडम भी बना रही है, वो क्या कौन सी चीज बना रही है? लाइव है। मैम लाइव काटिए इसको, लाइव काटिए। जी जैसे सर भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, वैसे एक ड्राइवर को रोड चाहिए, जो कि हमको मिला, आजमगढ़ से आते जबलपुर मिला, और जबलपुर अच्छा लगा, जबलपुर एकदम अच्छा लगा, जैसे बहुत बढ़िया लगा। और जबलपुर के वासियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ इंजॉय लेना हो तो एक बार दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली जब शराब एक्स्ट्रा चल रहा था 150 का 70 में, और वो भी डबल, इंजॉय। हाँ जी, गाड़ी चलाते हो मैडम की? ज्यादा थोड़ा कम एंजॉय किया करो, मैडम की गाड़ी चला रहे हैं और एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं। ना ना, तो बिल्कुल सही। अब हो गया सवाल तुम्हारा। जी क्या बाकी है? तो बोलते जाते काम की बात बोलते रहे, जल्दी बोलो। तो वहां पे मैं था, एकदम फ्री में फ्री शराब मिल रही थी, मैं पीता नहीं हूँ, मैंने सोचा थोड़ा पी लूं, क्योंकि मुझे अंजाम मालूम था कि ये फिर जेल में बंद हो जाएगी, शराब की जो फैक्ट्री थी या फिर जो भी कारनामा था उसका, वो बंद हो जाएगी, बंद हो गई। और हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो जो पढ़ा लिखा अगर एक अपने स्टेट में शराब बेचे, ये बहुत गंदा काम है। इससे अच्छे हमारे योगी जी हैं, शराब वहाँ नहीं बिकती है। सर फ्री में नहीं, बिहार में भी बिकती है। हाँ जी बिहार में भी बिकती है। जी थोड़ा सा हटो अब आजमगढ़ यहाँ से, हटो रस्ता, आइए अब आगे आ जाइए अब। जी आजमगढ़ वाले ने रस्ता। जी जनाब आली बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने अभी कहा कि आप रायपुर से आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको रायपुर से यहाँ आने में कितनी देर लगी है, आप बताइए जरा जनता के सामने। 8 घंटे लगे। 8 घंटे लगे हैं? अगर आप कांग्रेस की सरकार में आते तो 15 से 20 घंटे में रायपुर से जबलपुर पहुँच पाते। आज जबलपुर से चारों तरफ की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, 7-7 फ्लाइटें आ रही हैं, 8-8 ट्रेनें महानगर बम्बई दिल्ली की यहां से रवाना हो रही हैं। हमारे चारों तरफ जो स्वरूप बदला है, 2003 में यहां सड़कें नहीं होती थी, यहां पर नालियां साफ नहीं होती थी, आज एक सिस्टम दिया है, घर से कचरा लेकर जाया जा रहा है, पूरा शहर क्लीन हो रहा है। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है,